हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वास्ता हो गया है, सुबह का मतलब सारा काम हो गया। अभी दिन के खाने की तैयारी होने वाली है, तो अभी देखते हैं किस चीज़ मतलब किस चीज़ की दाल बनाएंगे हम लोग। तो अभी मैं खा रही हूँ ये ऑरेंज संतरा खा रही हूँ, और मैंने यहाँ पे बिल्ली को खाना दे रखा है, ये देखिए। और मीहू सोया था और जस्ट उठ भी गए हैं। तो ये दिखे गाइस, सिंगल उठ गया है। स्माइल दिखा दे अपनी सबको, प्यारी वाली। मैं उठ गया बोल दे, ले ले ले, मैं उठ गया बोल दे सबको, मैं उठ गया बोल दे। तो अभी रोया था। तो गाइस मैं आप लोगों को ना मौसम दिखाती हूँ, अभी मौसम कैसा हो रखा है। बादल लगे हुए हैं। तो ये देखिए गाइस, हवा कैसी चल रही है अभी। ये देखिए मीहू, देख उधर पेड़ में चिड़िया बैठी हुई है। ये देखिए बादल लगे हुए हैं बहुत सारे। ये देखिए आप लोग, हाँ अंदर चलना है। चलो चलो हम अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। हमारा बिट्टू ना गनगनो हो गया है, पता नहीं इसको सर्दी जुकाम लगा है, इसकी वजह से ऐसा हो रही है इसकी तबीयत। गाइस अभी है आज दूसरा दिन, तो और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बारिश बहुत ही तेज़ हो गया, कल उसके बाद ब्लॉग शूट नहीं बना, मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बारिश थी। दिन भर तो घर ही में थे, कुछ किया नहीं। बट मुझे नहीं पता अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही करके, तो इसलिए मैं अभी से ब्लॉग बना रही हूँ। कल बारिश हो रही थी दिन भर हल्की हल्की, बट ज़्यादा हमारे वहाँ तेज़ नहीं हुई। हाँ बट अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इतनी तेज़ की बारिश हो रही है ना, बहुत तेज़ की। ये देखिए आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, और पीछे की साइड को देखिए बारिश, और ठंडा भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो गाइस ये देखिए हल्के हल्के वाले ओले गिर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटे बहुत ही छोटे छोटे वाले। ये देखिए आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वरना ये देखिए तुम तो। घर में कोई नहीं है, मैं और मीहू ही है। बाहर से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और मीहू अभी सोया ही है। अच्छा है अभी सोया है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो मैं सोची हूँ मैं जल्द से चूल्हा जला देती हूँ, मैं ठंडा बहुत हो रहा है, लाइट भी नहीं है तो हीटर कैसे जलाएं ना, तो चूल्हा ही जला देती हूँ फटाफट से। तो चलिए चूल्हा जला के और उसके बाद खाने की तैयारी भी करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है आगे को। आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा। मैंने ना आलू छील लिए हैं, तो आज हम लोग सब्जी बनाने वाले हैं। आलू की थीच चुकी है, मतलब इसी की सब्जी बनाएंगे, इसको सिलबट्टे में थीच थीच के। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे। ये है ना कि गाइस आलू, इसको हम छोटे छोटे पीस करके सिलबट्टे में ऐसे काट के कूट लेंगे, मतलब थीच जैसे देंगे ना, तो उसको बोलते हैं आलू की थिचौड़ी की सब्जी। तो ऐसे बनाते हैं इसको, पहले मैं इसको सिलबट्टे में पीस देती हूँ। ये देखिए वैसे आज मैंने इसमें ना धनिये का नमक पीस रखा था, उसकी वजह से ये दिख रहा है ऐसा। ऐसे थी थी सी बना दिया मतलब सिलबट्टे में, और ये देखिए ऐसे करके इसको इसमें ऐसे मारनी है। तो ये देखिए गाइस सब की मैंने ना थीजेस दिए हैं, अब मैं इसको बनाऊंगी सब्जी अभी थोड़ी देर में। और ये हरा हरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने हरा धनिया पीस रखा था इससे पहले, इसकी वजह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ना सब्जी बन गई है, कितनी अच्छी बनी हुई है। ये देखिए चावल के साथ खाएंगे तरी वाली। मैंने अपने लिए वैसे रोटी बना रखी है, तो मैं रोटी के साथ खाऊंगी। ये देखिए आप लोग बहुत अच्छी बन रखी है, टेस्टी। ये देखिए पूजा ना वृंदावन से आ गई है। तो पूजा आपका सफर कैसा रहा? हाँ, कौन कौन गए थे? मैं और तन्नू, बस दो ही जने। वैसे देखा जाए तो हमारा फर्स्ट सोलो ट्रिप था ये। हाँ, हम दोनों का प्लान कुछ नहीं था, अचानक से हमारा सडन प्लान बना। हाँ, पहले हम आगरा गए, हमने
हमने आगरा घूमा, वहाँ का सब बहुत अच्छा लगा। आगरा में हमने एक दिन स्टे भी किया वहीं, और फिर हम अगले दिन मॉर्निंग पे मथुरा के लिए निकल गए थे। और हमने और मॉर्निंग में रुके वहाँ पे, रुके नहीं रुके वृंदावन में? हाँ मैं मतलब हम नाइट में आ गए थे वापस, हम 10-11 बजे हमें बस मिल गई थी वहाँ से बरेली के लिए। फिर बरेली से हम हल्द्वानी आ गए थे, मतलब हम सुबह पहुँच गए थे। हम एक दिन पूरा, क्योंकि तुंजा को ड्यूटी जाना था उसकी वजह से मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके, हमें बर्तन वगैरह कृष्ण जन्मभूमि और वगैरह बहुत घूमना था। पर हमने एक दिन वृंदावन में घूमे, सुबह हम आरती के समय पहुंच गए थे, क्योंकि वहाँ मंगला आरती नहीं होती है। कहते हैं कि कृष्ण जी रात को निधिवन में रास वगैरह रचाते हैं, तो वो लेट आते हैं, तो थके हुए होते हैं, तो इस वजह से आरती थोड़ी लेट होती है। हमें इतना आइडिया था नहीं, हमें वहाँ जाके ही पता चला पहले। फिर हमने बांके बिहारी के दर्शन किए, देन उसके बाद हमने जितने भी मंदिर थे वहाँ गए, उसके निधिवन गए, हमने यमुना नदी देखी। उसके बाद हम गए इधर को देखिए, मैं हूँ इधर देख। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने कहा कि हमें टाइम तो है, हम एक बार फिर प्रेम मंदिर गए थे, क्योंकि प्रेम मंदिर बंद था, 12 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम के 4 बजे खुलता है। उसके बाद हम वहाँ गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने चले गए थे, क्योंकि कहते हैं कि उसका मतलब उसका एक राउंड लगा के आते हैं, घूम के आते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो हम चले गए थे, और सडन हमें वहाँ दिल्ली के 2 अंकल जी मिल गए थे, बहुत अच्छे थे। मतलब उनके मतलब कहते हैं कि भगवान जी ने मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमें उतना आइडिया था नहीं। उनके साथ हमने जब वहाँ के परिक्रमा की, तो जब परिक्रमा हम कर रहे थे तो हमें आइडिया नहीं था, अगर हम ऑटो वाले के साथ बैठते तो वो सीधे हमें ऐसा करता कि सीधा हमें राउंड परिक्रमा करवा देता, हमें मंदिर नहीं बताता कि कहाँ कहाँ मंदिर है जाना पड़ता है। तो उनने हमें अच्छे से बताया कि यार यहाँ ये मंदिर है, उन्होंने हमें 3-4 जगह मंदिर घुमाया, और हमें राधा का जो घाट है जहाँ पर राधा रानी स्नान करती थी वो कुंड दिखाया, वहाँ सब कुछ दिखाया। तो फिर हम वहाँ से बैक हुए, तो हमने शाम को प्रेम मंदिर देखा था, जब हमने आपको वीडियो कॉल किया था, तो प्रेम मंदिर के भी दर्शन करे। उसके बाद हमें वहाँ से मथुरा बस स्टेशन जाना था, क्योंकि हमें बरेली के लिए बस पकड़नी थी, तो हमें वहाँ से बस पकड़ी। फिर वहाँ से हमने बरेली तो आ गए थे, बरेली आने के बाद हम हल्द्वानी के लिए बस पकड़नी थी। मतलब हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा था, लेकिन रात के टाइम कि हमें जल्दी जल्दी हल्द्वानी जाना है, कैसे भी ऑटोमेटिक हमें टाइम कम था अच्छे से, मतलब फिर भी दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छे से हो गए थे। अब इसके बाद कहाँ जाने का प्रोग्राम है? नेक्स्ट ट्रिप हमारा वैसे केदारनाथ हो, आई होप कि हमारा मतलब हो सके, जा पाए। वैसे केदारनाथ खुल गया होगा अभी? नहीं खुला होगा, अप्रैल में। अप्रैल में लास्ट है, 20 अप्रैल में, मई अप्रैल में, अच्छा अप्रैल में बता रहे कि इसकी 23 या 22 ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं है एग्जिट डेट की कब ओपन होगा, तो देखते हैं। मैं तो जाने का प्लान। मेहर कितना खुश हो जा रहा है अपने हाथ को देख के। ले मैं उसको दुखा ले, ले 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 इसको पी ले। मतलब ऑलमोस्ट हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि हम दोनों थे। तन्नू भी ऐसी ऐसी नहीं कि हाँ फोटो खींच रील बना, ऐसी है नहीं, वो भी इन्जॉय करती है, तो हम दोनों इन्जॉय करने में थे। हमने आगरा में बहुत इन्जॉय किया, हमने बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि हम दो ही हैं। बहुत से लोगों को लगता कि हमारे साथ और लोग भी हैं, क्योंकि हमारी फ़ोटो कौन खींच रहा है। हम हर किसी को बोले यार प्लीज़ हमारा फ़ोटो ले लो। मतलब ऐसे तो क्या, वही मैं भी सोच रही थी फोटो किससे खींची होगी तुम दोनों। बहुत स्ट्रेंजर थे, मतलब लोग ना बहुत अच्छे होते कि हम लगता नहीं, हमने कहा प्लीज़ हमारा फ़ोटो ले लो। हमने बहुत सारी एक दो मोमडन थी उनसे भी बोला। और जब हम लाल किला गए थे वहाँ ना फॉरेन लोग बहुत आए थे, कि अगर देखा जाए तो जापानी, जर्मनी वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से मतलब फॉरेन के लोग वहाँ आए हुए थे। वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, और कितने लोग इमोशनल हो गए थे उनकी कहानी सुन के। अच्छा। देख रहे थे कि रो रहे वो लोग। बहुत अच्छा था वहाँ जो मतलब लाल। वैसे तो ये कहानी तो हमने खुद ही किताबों में पढ़ी है, ऐसे ऐसे हुआ था तब ताजमहल बना था, अब उन लोगों ने फर्स्ट बार ही सुना है ये, तो हमारी क्लास में एग्जाम में यही आते हैं। जो वहाँ का जो आगरा का लाल किला था, तो मतलब वो दिल्ली के लाल किले से बड़ा है। जब हम वहाँ गए तो ऐसा होता कि वहाँ के ना हर ऐसा वो ऐसे मतलब बनाया ऐसी जगह गया है कि जहाँ से लाल को मतलब जो ताजमहल है ना वो बहुत क्लियर दिखता है हर जगह से। ये नहीं कि हम यहाँ जाएंगे तो नहीं दिखेगा, वो जितने भी वहाँ की डिजाइनिंग, अब वो बोला जाए भी क्या क्या बोला जाए उनको, मतलब समझ में आता नहीं है, क्योंकि तो बहुत कंजूस है। उसने मैंने कहा कि हम किसी को पैसे देने से मतलब पैसे देके वो किया जाता ना कि ये बता देंगे। अरे हाँ, हाँ थोड़ा वो जो पूरा घुमाते हैं होते हैं गाइड्स वगैरह, मैंने कहा एक गाइड्स हायर कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे तो लेने जा 300 समथिंग ऐसे ही कुछ ले रहा था। दूसरे का नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब पूछेंगे। और फिर बार बार कहते जहाँ पर लिखे हुए थे वो उनके बारे में लिखा हुआ था, तो हम उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे कि हाँ इनका फोटो ले लेते हैं, फिर घर जाके पढ़ेंगे इनके बारे में। पढ़ा नहीं, अभी तक खोला ही नहीं है, टाइम ही नहीं हुआ।
बहुत अच्छा लगा मतलब सही था। अभी सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम कहीं जन्माष्टमी के टाइम भी मौका मिल जाए तो उस टाइम बरसाने वगैरह घूम ले। अभी सब मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। मेहुल भी तो बड़ा हो जाएगा एक साल। ऐसा रहा पूजा का सफर, तो मुझे क्या बोलना चाहोगे? मतलब और लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ पे, मतलब ज्यादा उस वैसे तो नहीं है जैसे तुम लोग फर्स्ट बार गए थे, तो ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी हुई? बिल्कुल भी नहीं, मतलब होता ना कि ऐसा है कि मतलब अननोन शहर है, कैसा रहेगा जा रहे, हमें आइडिया आएगा नहीं आएगा। वहाँ जाते कहते कि बाकी बिहारी कहते कि तुम सिर्फ मन बनाओ आने का और बाकी सब कुछ मैं दिखा दूंगा। हमें पता थोड़ी ना था कहाँ कहाँ स्टेशन है, कहाँ से ऑटो लेंगे, क्या है, कुछ भी नहीं। मतलब हम ना मतलब स्ट्रगल कहते ना वो हमने किया ही नहीं। हमें ऑटोमेटिक यहाँ से ऑटो लेना है, यहाँ से ऑटो, सब कुछ पता चल गया था बहुत अच्छे से। लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। बाकी बिहारी के अच्छे से दर्शन करें। मतलब आज का एक मॉडल जमाना है तो ये नहीं कि भगवान को ना पूछे, साथ में मतलब भक्ति भी करते रहो, घूमते फिरो, एंजॉय भी करो अपनी लाइफ, बहुत अच्छा लगता है, जाना चाहिए वहाँ। वहाँ ये नहीं कि एक दिन वहाँ, हमने एक दिन में घूमना था क्योंकि हमें मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता था, तो इस वजह से हम घूम गए थे एक दिन में इतना। नहीं तो वहाँ दो या तीन दिन का अच्छे से ट्रिप करो तुम, फिर वृंदावन घूमो अच्छे से। हम इस्कॉन मंदिर नहीं गए क्योंकि इस्कॉन वहाँ का बहुत ही पॉपुलर मतलब मंदिर है, क्योंकि इस्कॉन का मतलब ही इंटरनेशनल वो है ना कि इंटरनेशनल वालों के थ्रू बनाया गया है। तो इस्कॉन मंदिर में हम जिस दिन गए, हम आगरा स्टे किया था उसके उसी दिन वहाँ एक बोट फेस्टिवल होता है जो मतलब साल में एक बार करते हैं कृष्ण जी का, मतलब मंदिर में उनकी नाव बोट तैयार करते हैं तो उसमें उनकी यात्रा करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही प्यारा। वहाँ के लोग से किसी एक औरत थी तो उन्होंने मुझे ऑटोमेटिक ऑटो में दिखा दिया था कि कल ऐसा ऐसा हुआ था। हम मैं बोलती नहीं हूँ किसी स्ट्रेंजर से, बट उन्होंने बता दिया था, बहुत प्यारा था, मिस करा हमने मतलब वो मंदिर ना जा पाया टाइम की वजह से, पर बहुत अच्छा था। सभी पूजा की है तो आप लोगों को ये वीडियो और ब्लॉग कैसा लगा, पूजा के साथ ही बातें कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।